अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर ट्यूटोरियल्स। तो आज मैंने बनाया इस तरह का एक आउल जिसको आप डेकोर कर सकते हैं और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रेफरेंस इमेज। तो ये मैंने देखा था, ये चुंबक ब्रांड का है। तो मैंने सोचा इसको खुद से ही बनाते हैं, मैंने पहले सोचा इसको ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये फॉइल पेपर और उसको इस तरह से राउंड करना है हमें। तो मतलब एक आउल का बीच वाली जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर हम इसे ही फिल करेंगे फॉइल पेपर को। तो इतनी सारी अगर क्ले का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्ले लग जाएगी। तो इस तरह से फॉइल पेपर लेके आप उसको अच्छे से राउंड कर लीजिए। और इसी तरह से मैं कर रही थी, तो मैंने जब देखा ये चुंबक ब्रांड के बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे से डेकोरेटिव आइटम रहते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये आउल। मैंने सोचा चलो इसको ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो खुद से भी बन जाएगा घर पे, तो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया और ये बहुत ही अच्छा बन के आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत मज़ा भी आया इसे बनाने में। और इस तरह से मैंने इसको राउंड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ जो 25 की आती है, जिसमें दो कॉम्पोनेंट्स दिए रहते हैं, उसको मिक्स करना होता है। और मिक्स करने के बाद एक बहुत अच्छी सी क्ले बन जाती है और ये ना हार्ड होने के बाद बिल्कुल स्टोन की तरह हो जाती है। तो यहाँ पे मैं मतलब अपनी वॉल पुट्टी वाली भी क्ले यूज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे ना इसको यूज़ करने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था इसे। तो इसको जब भी यूज़ करें तो नीचे सरफेस पे आप कुछ भी टैल्कम पाउडर या कोई सा भी पाउडर, मैंने यहाँ पर नॉर्मल सूखी पुट्टी लगा ली थी ताकि ये ना चिपकती बहुत ज़्यादा, और अपने हाथों पर लगा लीजिए। अब इसको इस तरह से मैं रोल करके बड़ा कर रही थी, ठीक है। उसके बाद इससे पूरे को कवर करना है और इसे आप कभी भी ग्लू से मत चिपकाइए। अगर आप ग्लू से इसे लगाइएगा ना तो निकलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर डायरेक्ट लगाइएगा ना ये कभी नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। अगर आपको किसी चीज़ को चिपकाना भी है ना तो आप इससे चिपका सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ चिपकाया इससे, ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है। उसके बाद मैं इस तरह से इसमें डिटेलिंग ऐड कर रही थी। तो आप किसी भी चीज़ की तरह से आप कर सकते हैं, आप किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से आप कर सकते हैं, आप नाइफ से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप स्केल से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्ले टूल हो। और अब इस तरह के ना इसके फेदर बनाना है, तो मैं इसी के हेल्प से कर रही थी यहाँ पे। और ये क्ले ना बहुत जल्दी मतलब ड्राई हो जाती है, बहुत जल्दी नहीं मतलब कि 10-15-20 मिनट में ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि इसके दो कॉम्पोनेंट्स जो है ना उनको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिए आपस में और थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। नीचे तक अभी मैंने कवर नहीं किया है, अभी मैं ऊपर डिटेल ऐड कर दे रही हूँ, उसके बाद नीचे कवर करूँगी, क्योंकि ड्राई होने लगती है बहुत जल्दी और उसके बाद आप ना इसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा, बहुत जल्दी हार्ड होती है। और आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा इस क्ले में कि आप इसको पानी के साथ मिला के गीला करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ग्लू को मिला के, कुछ भी नहीं सुनता है ये। बस एक बार ड्राई हो गया तो फिर हो गया, फिर वो कुछ भी कर लीजिए आप, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर लीजिए, वो मतलब गीली नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। अब मैं इसमें आइस की ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैंने दो छोटे छोटे बॉल्स करके और उसको इस तरह से दिया राउंड, और अब दोनों एकदम सेम होने चाहिए। तो मैं वही यहाँ पे कर रही थी। और थोड़ा थोड़ा आप इसको पानी से स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वॉल पुट्टी वाले डो को हम करते हैं ना पानी से स्मूथ, वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ना सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना है और आपको थोड़े थोड़े कॉम्पोनेंट्स मिलाने हैं। और अगर आप इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के पैकेट्स को ले भी रख दोगे ना तो वो कुछ भी हो जाए, कितने भी दिन हो जाए, वो ड्राई नहीं होंगे, लेकिन साथ में मिला दोगे तो ही वो ड्राई होंगे। ऐसा नहीं है कि उसको खुला रखने से वो ड्राई हो जाएगा, नहीं, वो एकदम वैसे ही रहेगा। लेकिन मिलाइए मत आप पूरा पूरा करके, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ऐसी गलती की है पहले। मुझे लगता तो है कि पूरा यूज़ हो जाएगा तुरंत में, लेकिन जहाँ पर आपको एकदम कन्फर्म लगे कि आप यूज़ कर ही लीजिएगा तो ही आप उसको मिक्स करिए। अब यहाँ पर मैंने छोटी सी एक नोज़ ऐड कर दी है, बीच में कुछ डिटेलिंग कर दे रही हूँ, और इस तरह से धीरे धीरे आउल के शेप में आ रहा था। और यहाँ पर दो मैंने इस तरह का बना दिया है। फिर मुझे आई को और थोड़ा सा ये करना है, तो मैंने दो और छोटे छोटे बॉल्स लिए हैं, उसको इस तरह से कर लूँगी और फिर बीच में लगा दूँगी, और इसके ऊपर एक और छोटा सा बॉल लगेगा आई, तब जाके हमारी बनेगी। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया। और ना मैं अभी एक और मैंने देखा है, वो तीन पीस है, वो भी मैं ट्राई करूँगी कि उसको भी बनाऊँ। मतलब ये बहुत प्यारा लगता है चुंबक ब्रांड के ना, बहुत कुछ अच्छे अच्छे से डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं। तो मैंने कुछ कुछ ऑर्डर भी किया है, तो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी उसे भी। और इस तरह के मैंने यहाँ पे आई लगा दी है छोटी छोटी सी, और उसके बाद साइड में ना इस तरह के मुझे ना डॉटिंग टूल से मैं बना रही हूँ। आप पेन की निब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो उसमें तो मुझे लगता है कि जैसे हाफ बीड्स लगी हुई है, तो आप वो वाले स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वाइट बीड्स हैं तो आप उसको भी चिपका सकते हैं। अब इसके ऊपर का यहाँ पर मुझे कुछ डिटेलिंग ऐड करना था, तो मैंने ऐसे किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके कान
वगैरह बना रही थी इसी तरह से। तो धीरे धीरे करके चलिए इसे ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, और इसको पानी के साथ स्मूथ भी करते जा रही थी, क्योंकि जहाँ पे अनइवन लग रहा था वहाँ पे आप पानी से इसको स्मूथ कर लीजिए। और ये वाली क्ले मेरी ड्राई हो रही थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे काम कर रही थी कि बस ड्राई नहीं हो। पिछले बार भी मैंने उसका यूज़ किया था ना, तो ये ड्राई होने लगती है बहुत जल्दी, मैंने आप लोगों को बताया। तो मैंने अम्मी से छोटे छोटे से बॉल्स बनवा के खूब सारे रख लिए थे कि ये ड्राई नहीं हो, बस कुछ भी शेप बन जाए। और जब आपके ड्राई होने लगे ना, तो मैंने एक और छोटा सा DIY किया है, वो भी आप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और साथ ही साथ अगर बहुत जल्दी आप कुछ नहीं बना पाते, क्योंकि जब ये ड्राई होने लगते हैं ना तो कुछ भी नहीं बनता, तो आप उसके ना छोटे छोटे जैसे स्क्वायर बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए और उसमें होल कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको एज अ पेंडेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी छोटा मोटा बना के रख लीजिए, कुछ भी उसको पेंट करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी उसको ड्राई मत होने दीजिए। मैं यहाँ पर नीचे के इसके लेग्स बना रही थी, पैर बना रही थी, तो इस तरह से मैंने दो क्ले को कट करके बना लिया, बीच में इस तरह से इनके इसको कर देंगे। और उसके बाद थोड़ी बहुत और डिटेलिंग फेदर में इस तरह का, और फेदर में थोड़े से हाईलाइट करना था फेदर को, तो मैं इस तरह से इसको हाईलाइट कर रही थी। और इसी तरह से कंप्लीट ही होने वाला था बिल्कुल, और मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे से बन पाएगा, लेकिन बिल्कुल सेम ही बन गया। लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन एकदम सेम वैसे ही लग रहा था जैसे मैंने देखा था वैसे ही। मुझे बहुत क्यूट लगा था ये आउल, तो मैंने सोचा कि इसको बनाते हैं, बहुत प्रिटी सा लग रहा था। ऐसे तो मुझे कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग। उसके बाद मैं इसी तरह से इसके फेदर्स को यहाँ पे हाईलाइट करी थी अच्छे से, क्योंकि नीचे तक नहीं हुआ था। इसी तरह से थोड़ा बहुत और काम था इसमें, मैं वही कर रही थी, थोड़े बहुत डिटेलिंग ऐड करने थे बस। और ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया था और ड्राई भी हो गया था, आधे घंटे में बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब इस पर करेंगे पेंट। तो सबसे पहले मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट लिया, उसमें थोड़े से पेस्टल शेड यूज़ हुए हैं, तो मैं वाइट एक्रेलिक पेंट में थोड़ा सा टील ब्लू का भी बहुत शेड है उसमें, तो मैं टील ब्लू ही थोड़ा सा ऐड करी थी, और इस तरह का पेंट बन गया एकदम बिल्कुल लाइट शेड। तो इसको मैं पूरे पे अच्छे से कर लेती हूँ, तो चलिए कर लेते हैं सभी साइड पे। पहले इसको मैं कर लूँगी, उसके बाद ही एक कोड इसका लगाने के बाद ही दूसरे कोड से मैं जो भी कलर आई और सारी चीज़ को हाईलाइट करूँगी। तो पहले मैं इस कलर से इसको चलिए पूरे को पेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया था लगभग पेंट, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इस तरह से मैंने इसको पूरा पेंट कर लिया। मैं टील ब्लू ले रही हूँ, टील ब्लू लेने के बाद उसमें थोड़ा सा ना ग्रीन ऐड कर रही हूँ, तो इससे ना साइड वाले फेदर का कलर बन जाएगा बिल्कुल सेम। तो इस तरह से चलिए इसको हम कर लेते हैं फेदर पे, जो साइड वाला फेदर है। तो ये दोनों साइड के फेदर पे इस तरह का डार्क टील ब्लू ऐड हुआ था, तो मैंने दोनों पे इसी तरह का ऐड किया है। और साइड में मतलब ना बीच वाली बॉडी पूरी जो थी वो लाइट थी, और साइड में फेदर जो दोनों थे वो डार्क टील ब्लू थे, और आईज़ में वाइट, ब्राउन, ब्लैक सभी कलर का पेंट ऐड किया हुआ था। तो इसी तरह से मैंने दोनों तरफ के फेदर लगभग कम्प्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इन दोनों को कम्प्लीट करने के बाद साइड में थोड़ा सा लग गया, तो इसको अच्छे से मतलब मैं ब्लेंड कर रही थी, और फिर आग पे ना ये नीचे वाला जो मैंने बड़ा वाला सर्कल बनाया था उस पे पूरे पे वाइट था, तो अभी मैं पूरे पे ही एक कोट अच्छे से वाइट कर दे रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो साइड में मैंने बीच में जो फेदर बनाया था, साइड वाले फेदर तो गोल्डन थे, उस पे जो हाईलाइट मैंने किया था डिटेलिंग वो गोल्डन था, लेकिन इसमें ना ये वाइट थे। तो चलिए छोटा वाला जो आपका ज़ीरो साइज़ का ब्रश होता है ना, उसको लेके आपको धीरे धीरे इसको मैंने जो मतलब ऐसे, क्योंकि ना ये गड्ढा डिज़ाइन थोड़ा सा डिटेल किया हुआ था, ऐसे नहीं इसको पेंट करना, तो उसके अंदर ही मैं पेंट फिल करती जा रही थी और पूरे पे इस तरह का डिज़ाइन बना रही थी, ठीक है। तो वाइट पेंट से बना हुआ था, तो पूरे पे मैंने यहाँ पे वाइट पेंट से कंप्लीट कर लिया। और इसकी आँख को भी अच्छे से वाइट पेंट से पेंट कर लेते हैं, बड़े वाले सर्कल को, और उसके बाद छोटे वाले सर्कल में जो उसके ऊपर वाला सर्कल है उसमें ब्राउन था, तो उस पर ब्राउन कर देते हैं अच्छे से। ये वाले में ब्राउन था, तो दोनों आँख पे इसमें ब्राउन करेंगे, और जो छोटा वाला डॉट है उस पर ब्लैक था। तो पहले इसको भी ज़ीरो साइज़ का ही ब्रश यूज़ करिएगा आप इस काम के लिए, क्योंकि इसमें ना अगर आप ज़ीरो साइज़ का नहीं यूज़ करिएगा ना तो इधर उधर लग जाएगा पेंट। और उसके बाद उस पर मैं ना ब्लैक कर रही थी, क्योंकि ये छोटे वाले में ब्लैक था। उसके बाद धीरे धीरे उसी तरह का लुक आ रहा था। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये आउल कैसा लगा और ये आइडिया भी कैसा लगा, क्योंकि कहीं पर भी नहीं था कि आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने वहाँ पर रैंडम देखा था और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको इस तरह से बनाते हैं। और फिर इसके ये वाली लाइन पर मैं ना ब्लैक से कर रही थी, और साइड के फेदर पर भी हल्का ब्लैक से आउटलाइन
ऑप्शन करी थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हल्का सा ना ब्लैक पेंट डाबर में लेके उसको अच्छे से पूरा एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, और हल्का हल्का सा इसके ना कान में ये इस तरह से हल्का हल्का सा ब्लैक किया हुआ था, तो उस तरह से मैं भी कर रही थी। यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट था उसमें हल्का हल्का सा, बिल्कुल करना भरना नहीं आपको। तो उससे पहले ना आप इस तरह से, मैंने ग्लास के पीस पे एक्स्ट्रा पेंट निकाल लिया है, तो आप भी इसको अच्छे से निकाल लीजिए और उसके बाद इस तरह से इसको कर लीजिए। तो ये बिल्कुल कम्प्लीट होने ही वाला था, ये इस तरह से मैंने कम्प्लीट कर लिया था। और आग के ऊपर ना एक छोटा सा वाइट का डॉट देना था हमें, तो मैंने यहाँ पे डॉटिंग टूल का यूज़ किया है। आप पेन की निब भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर साइड पे फेदर पे गोल्डन था, तो मैंने यहाँ पे अपना फ्लैश का गोल्डन पेंट लिया है। ऑलरेडी मैंने क्या क्या चीज़ अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो वो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ये पेंट मुझे बहुत पसंद आया और ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। और इसके ऊपर मैंने एक कोट वॉर्निश अप्लाई कर दिया था, और ये कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ये कितना प्रिटी लग रहा है, आप दिवाली में इसे सजा सकते हैं, अपने होम को डेकोरेट कर सकते हैं, और अपने टेबल पे आप कहीं पे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा लुक लग रहा था इसका, और ये बनके रेडी हो गया था। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।